सो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अद्विक के साथ, मेरे बेटे के साथ। इसका नाम क्या है? अद्विक। आपका नाम क्या है? अद्विक। आप यहाँ पे क्या लगाया है? पाउडर लगाया है। क्यों? इचिन। ओके, तो अद्विक के साथ आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अद्विक का समर वेकेशन और माँ का बर्थडे है। और माँ का बर्थडे है, यस। आज बर्थडे के दिन भी मैं बर्थडे के दिन ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो कब डालूंगी। तो थैंक यू। सुबह से यही गाना गा के इधर उधर घूम रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ गा के घूम रहे। तो चलिए, आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो होने वाला है, इतने दिन का जो मेरा मेहनत था, एक्चुअली अद्दू का समर वेकेशन चल रहा था एंड उसमें जो माँ बेटे ने मिलकर मेहनत किया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। प्लस एक मेमोरी के हिसाब से भी रह जाएगा। अद्दू जब बड़ा होगा तो देखेगा उसका फर्स्ट असाइनमेंट समर वेकेशन का जो था उसने कैसे किया था एंड क्या क्या मिला था, बाद में बताने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली मेरा हाथ टूटा हुआ है तो कुकिंग वीडियो मैं अभी नहीं बना सकती हूँ। ट्रैवल वाला छोटा छोटा ट्रैवल में भी क्या है ना, एक हाथ काफ़ी नहीं होता, इतना मुझे पता चल गया। इवन मेरा एक पाव भी अभी अच्छे से बैलेंस नहीं हुआ है, मतलब पेन है ये नी वाले पोर्शन में, राइट लेग में, तो मैं प्रॉपर बैलेंस भी नहीं होता। तो मुझे कैमरा मैंने किया है, फिर भी जितना मेमोरी मेरे से कैप्चर हो सका वो मैंने किया है, अदरवाइज जैसा प्रॉपर होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। चलो जो भी हो, तो ये है अद्विक का स्कूल बैग। अद्दू यूरो किड्स में पढ़ता है एंड इस बार कौन सा क्लास में अद्दू? विच क्लास डू यू रीड? नर्सरी राइम्स। तो नर्सरी में अद्दू है, प्ले स्कूल है इसका। एंड असाइनमेंट इसको क्या क्या मिला मैं सब दिखाती हूँ। सबसे पहले तो उसको नोटबुक में लिखने के लिए कुछ कुछ मिला था, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखा दूँ अद्विक के कितने बुक्स हैं। ये सारे हैं उसके बुक्स, टोटल नंबर ऑफ आई थिंक 10 या 12 है, तो इतना है। लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये है कि एक्टिविटी ही होता है इन लोग का। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो असाइनमेंट है वो कॉपी में उन लोग ने दिया था, टीचर्स ने दिया था, ऐसे करके हॉलीडे होमवर्क करके। क्या लिखा देखो, ये क्या लिखा दो? ये क्या लिखा? ए। ए। और ये बी सी। देन ये क्या है? डी। डी फॉर डॉट। ये कौन सा कलर है? येलो। ये ई फॉर एलिफेंट। ओके, ये लिख करके दिया है। उसके बाद में तो ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में ए बी सी डी लिखने के लिए दिया था, उसमें खुद से लिखा है। लेकिन हाँ, जब जब लिखता है एकदम सामने खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो वो फिर कोई बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा लिख देता है। यहाँ पे है सी एंड डी, आपको दिखता होगा, एंड यहाँ पे है ई। ए बी सी डी ई तक ही दिया था। ई थोड़ा इतना सुंदर नहीं हुआ बेचारा, लेकिन मैंने सोचा कि जो होमवर्क खुद करो। एंड ये कलर उसने किया है, कलर अद्विक अच्छे से कर लेता है। जहाँ थोड़ा थोड़ा बाहर निकला है वो मैंने इरेजर से इरेज कर दिया ताकि नीट एंड क्लीन दिखे, लेकिन वो नॉर्मली अच्छे से ही करता है। एंड लास्ट में एक ये ड्राइंग है, ये क्या है दू? ग्रेप्स। क्या है? वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स है? फ्रूट्स। अदू ग्रेप्स खाया है? ये कौन सा कलर का होता है ग्रेप्स? ग्रीन कलर का होता है। वेरी गुड। तो ये था अद्विक का इंग्लिश का होमवर्क। अब हम नेक्स्ट दिखाएंगे मैथ्स। नेक्स्ट है ये मैथ्स कॉपी। तो मैथ्स में क्या होमवर्क मिला है देखते हैं हम लोग। यहाँ है मैथ्स का हॉलीडे होमवर्क। एंड ये क्या है अद्दू? ये क्या है? वन बॉल। एक्चुअली वन में कलर करने के लिए बोला था। अद्दू को कलर इतना पसंद है कि उसने बॉल में भी कर दिया। टू। कौन किया ये कलर? अद्दू ने किया। और ये क्या है? ये टेंडल। और ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ओके, नाउ फोर। ये क्या है? डक। फाइव। यहाँ पे ये वन, ये टू, दिस इज थ्री, फोर एंड दिस इज फाइव। लेकिन अद्विक को अभी 20 तक लिखने आते हैं ना अद्दू? अद्दू 1 to 20 तक जानते हैं? हाँ, 1 to बोलो तो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। हाँ, 16 तो गायब हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा असाइनमेंट करके मिला था अद्विक को, ये उसने कर लिया। यहाँ पे काउंट करके लिखने के लिए किया था, ये भी अद्विक ने खुद किया है। यहाँ पे भी ऐसा कलर करने के लिए बोला था, वो भी अद्विक ने कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? वाटरमेलन। ये कौन कलर किया? अद्दू। अद्दू को वाटरमेलन पसंद है। तो ये मैथ्स का भी खत्म हो गया। अब
जिसके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया है मेन, उसको मैं दिखाती हूँ, वो है ये फाइल पूरा। बट उससे पहले एक छोटा सा और एक असाइनमेंट नदू को मिला था, ये मैं खुद से दिखा देती हूँ। ये ऐसे करके दो साइड में है, एक साइड में फ्रूट है, एक साइड में कच्ची है, लेकिन ये ऐसा सिक्वेंस में नहीं है, ये मिक्स मैच है, आपको निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, ये ऑनियन है, ये ऑनियन प्लांट है। तो एक्चुअल में इसका लॉजिक ये है शायद कि बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कौन सा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कौन सा प्लांट कैसा दिखता है वो जानने के लिए है। एंड ये सब भी कलर अतिथि ने किया है, सिर्फ जो वेजिटेबल उसने देखा नहीं था इतना सो याद नहीं, तो उसने मुझे कलर पूछा कि मम्मी इसमें कौन सा कलर होगा। ना दो, ये किसने कलर किया दो? ये क्या है? ऑनियन। चलो प्लांट्स में अभी नहीं पूछती हूँ, बाकी ये क्या है? पोटेटो। ये गुड। तो ऐसे ही है, और इधर में ये सबका प्लांट है। तो ये भी स्कूल के तरफ से दिया गया था, वेजिटेबल्स फ्लिप बुक करके अद्विका नाम के साथ में दिया था, हॉलीडे होमवर्क करके। तो ये सेकंड होमवर्क था। थर्ड होमवर्क था ये, जिसको देख के मैं एक बार के लिए थोड़ा सा डर सी गई थी, मतलब मुझे लगा था कि माय गॉड इतना सारा मतलब क्या है, कैसे कराना है वैसे करके। पूरा समर वेकेशन का होमवर्क का पूरा समर वेकेशन का होमवर्क। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मम्मी का चैनल को क्या करना है, अच्छा लगा हो चैनल।